उन्नाव जिले में एक रेप पीड़िता को जलाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि सोमवार को एक 23 वर्षीय महिला ने उन्नाव एसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार महिला ने इस दौरान खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत महिला को बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक उन्नाव विक्रांत वीर सिंह ने बताया कि महिला ने 2 अक्टूबर को दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। मामले में आरोपी और महिला के बीच लंबे समय से पहचान थी। युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया, बाद में वह शादी से मुकर गया, जिसके बाद महिला ने थाना हसनगंज में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। अभी हाल ही में आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में अग्रिम जमानत मिली थी। एसपी ने बताया कि मामले में विधिक कार्यवाही पूरी कर ली गई है और चार्जशीट जारी कर दी गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक आत्मदाह के प्रयास के कारणों का पता नहीं चल सका है। मजिस्ट्रेट ने बयान लेने की कोशिश की है, लेकिन इलाज के लिए रेफर हो जाने की वजह से बयान नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल जिला के आला अधिकारी कानपुर के हैलेट अस्पताल पहुंचे हैं। मामले में यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है। यूपी पुलिस ने लिखा है, उन्नाव की घटना में आज एक महिला ने पुलिस ऑफिस के बाहर आग लगाने का प्रयास किया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अभी तक जो तथ्य है वे निम्न है। महिला ने 2 अक्टूबर को अपने एक सालों पुराने परिचित अवधेश सिंह के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था। महिला के मुताबिक अवधेश सिंह ने शादी का प्रलोभन देकर उनसे रिश्ते बनाए थे, बाद में वो शादी से मुकर गया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर अवधेश सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। हाईकोर्ट से आरोपी अवधेश सिंह अग्रिम जमानत पर है। प्रकरण की जांच की जा रही है। आग लगाई थी, क्या मामला है, किस वजह से? ये देख लो सर, कहाँ? देखिए, आज की घटना है। एक महिला है, 23 वर्ष है, अविवाहित है। उन्होंने पुलिस ऑफिस के बाहर, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, नहीं कर पा रहा हूँ, किरोसिन तेल डालकर अपने आप को इंजोलेट करने की कोशिश की। तत्काल पुलिस ने उनको जिला अस्पताल में लेकर आई, जहाँ उनको अच्छे इलाज के लिए कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। जो अभी तक बात निकल के सामने आ रही है कि इन्होंने एक थाना हसनगंज में 376 का मुकदमा लिखाया था, जिसमें जो मेन अक्यूज है उनकी से 10 साल से इनकी पहचान थी और वो शादी के लिए मना कर रहा था। इसी के कारण इन्होंने मुकदमा लिखाया था। और ये जो दोनों मेन अक्यूज और ये दोनों 10 साल से एक दूसरे को जानते थे। इसमें मेन अक्यूज जो है उसको एंटिसिपेटेड बेल मिल गई थी, तो उसमें विधिक कार्रवाई कम्प्लीट कर दी गई है, चार्जशीट उसके लिए इशू हो गई है। और जो महिला है उनको अभी अच्छी इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल रेफर करता था। मुकदमा कब लिखाया गया था? मुकदमा 2-10 को लिखाया गया था। और जो मेन एक्यूज्ड है उसको उसने हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी। वो विगत 10 वर्षों से इस महिला को जानता था और इन दोनों के बीच में संबंध थे, तो इसके लिए चूँकि वो शादी के लिए मना कर रहा था इसलिए उन्होंने मुकदमा लिखाया था। और इसमें चूँकि एंटीसिपेटरी बेल था, तो सारी विधि प्रक्रिया पूरी करते हुए इसमें चार्जशीट इशू कर दिया गया। आग लगाने का कारण क्या बता रही है महिला? अभी वो ज़्यादा बता नहीं पाई है। अभी तत्काल उसको रेफर कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने उनको बयान लेने की कोशिश की, अब आगे मजिस्ट्रेट ने। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।